See here. Let us consider m mass of a solid. We know, students, density is equal to what? Mass upon volume, beta. What is the formula for density? We have studied density is equal to what, beta? Mass upon volume. Let at 0 degree Celsius, density is d0 and volume is v0, and at some higher temperature, density becomes dT and volume becomes, बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कितनी थी? d0. वॉल्यूम कितना था बेटा? v0. हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, t कर दिया, तो t टेम्परेचर पर डेंसिटी कितनी हो गई? dT. और वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? vt. बट मास ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट. मास ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. That is v0 d0 is equal to vt dt is equal to what? m. तो बेटा यहां से देख लीजिएगा, m is equal to क्या बनेगा? मास is equal to volume into density. मास ऑफ बॉडी नेवर चेंजेस, मास ऑफ ए सब्सटेंस नेवर चेंजेस, मास ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. देयरफॉर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेल्सियस इंटू डेंसिटी एट 3 डिग्री सेल्सियस बेटा. और v0 अपॉन vt इज इक्वल टू dt अपॉन व्हाट? v0 अपॉन vt. v0 अपॉन vt इज इक्वल टू dt अपॉन d0. बट गर्ल्स और बॉयज बेटा, हमने पढ़ा है v0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 प्लस कॉमन टी पढ़ा रखा है, नोट्स में देखें, अभी लिखा था कि vt इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? v0 1 प्लस कॉमन टी बेटा. तो देयरफॉर v0 vt की जगह हमने क्या लगा दिया? v0 1 प्लस कॉमन टी इज इक्वल टू dt अपॉन d0 और dt इज इक्वल टू d0 1 प्लस कॉमन टी और dt इज इक्वल टू d0 1 प्लस गामा टी पावर -1. क्योंकि बेटा इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? -1. आर यू फॉलोइंग बेटा? अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है? -1. और dt इज इक्वल टू d0 बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है बेटा, 1 प्लस x की पावर माइनस एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स. ये जो टर्म है बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है. तो हमारे पास जो रिलेशन आया क्या आया बेटा? dt इज इक्वल टू d0 1 माइनस गामा टी. तो वी कैन से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डेंसिटी विल डिक्रीज. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी विल डिक्रीज. क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या साइन आ गया बेटा? माइनस. यानी कि dt इज इक्वल टू d0 माइनस दिस. d0 में से कुछ घटाएंगे तब हमें dt मिलेगा. इसका मतलब dt इज लेस देन d0. दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर.